हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है जुम्मा, आप सभी को जुम्मा मुबारक। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बज गए हैं और बस हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है। तो बस मैं काम शुरू करने जा रही थी अपना, जो डेली का रहता है, और इसीलिए मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती, क्योंकि क्या रहता है ना, काम के साथ साथ मेरा ब्लॉग भी कंटिन्यू रहता है। और बस अभी बच्चे नीचे हैं, आलिया नीचे, तो आप लोग सोच रहे होंगे आलिया आलिया आज स्कूल नहीं गई है, क्योंकि कल उसको स्कूल में जो है पलटी हुई थी, पता नहीं कैसे हो गई, तो कल से वो डर गई। तो कल ही वो बोल रही थी मम्मा मैं नहीं जाऊंगी। और फिर कल क्या, वो रो के गई थी घर से, कल उसको स्कूल नहीं जाना था, बोल रही थी मुझे स्कूल नहीं जाना है आज, मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन मैंने उसको भेजा दिया था स्कूल। तो पता नहीं किस वजह से हुई, तो रात से मतलब स्कूल से आई है, जब से ही वो बोल रही थी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पलटी हुई, मैं तबीयत खराब है। बच्चे मतलब आलिया बहुत बातें बनाने लगी है, तो बस रात में वो कहकर सोई थी। फिर आज मैंने उसको उठाया भी तो बोलने लगी मुझे नहीं जाना, फिर से उसने रोना। तो मैंने सोचा चलो आज जो है इसकी छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि कल भी वो रोकर गई थी, आज भी। तो फिर आज मैं उसको क्या करूँगी कि दिन में उसको अच्छे से समझाऊंगी, तो उसका माइंड शायद फ्री हो जाए। बच्चे स्कूल जा जाके थोड़ा सा कभी कभी करने लगते हैं, अब छोटी है ठीक है, तो इसलिए आज उसकी छुट्टी कर दी है। और इस अभी वो नीचे खेल रही है नाया के साथ। और अब मैं जा रही थी कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैंने परसों कपड़े धोए थे, आले नाया के न्यू ड्रेस धोई थी, वो भी रखी हुई है, और जो भी डेली यूज के कपड़े थे वो भी, और कल भी मैंने धोए थे, तो वो सब काफ़ी सारे इकट्ठे हुए हैं। तो मैंने सोचा उनको तय कर लेती हूँ। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आले नाया की जो न्यू ड्रेस है वो हमारे साथ शेयर करें, तो मैंने सोचा चलो तय कर ही रही हूँ, तो आप लोग साथ शेयर भी कर देती हूँ, जिससे दोनों काम हो जाएंगे, मेरा काम भी हो जाएगा, आप लोगों का काम भी हो जाएगा। तो बस चलते हैं, मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं बगल में जो किचन है रूम के बगल में, उसमें ही मैं सारे कपड़े वगैरह रखती हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा बच्चों के खिलौने वगैरह रहते हैं ना, सारा वही कर लिया है। एक कमरा सा मतलब किचन है, तो उसमें सारा मेरा सामान रहता है। तो अभी मैं उधर से लेकर आती हूँ कपड़े इधर, और कल जो शाम को धोए थे वो पड़े हैं, तो उनको ऊपर से लेकर आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो बस अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कपड़े, क्योंकि मुझे पे करके भी रखना है। और कुछ कमेंट भी आए थे कि आले नाया की जो पार्टी वेयर ड्रेस है उनको हमारे साथ शेयर करें, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं, और मेरा दोनों काम हो जाएंगे, कि आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएंगे और मेरे कपड़े भी तय हो जाए। तो ये वाली जो ड्रेस है पिंक वाली, ये आपने नाया के बर्थडे में देखा होगा पहने हुए। और ये जो है मैंने ईद की शॉपिंग की थी, ईद पे ली थी, मीठी ईद पे, तो ये वाली ड्रेस ली थी आलिया की, और ये इन लोग की ली थी, तो दोनों बहनों की सेम ड्रेस ली थी। मतलब थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन लगती दूर से एक जैसी है। और ये दोनों ईद पे ही ली थी, और दोनों ने इनाया के बर्थडे में ही पहनी थी, तो ये दोनों ड्रेस हो गए। और एक ये है आलिया की, तो ये आलिया की ड्रेस, आलिया का बर्थडे था 5th या 4th याद नहीं है, जब उसकी नानी की यहाँ से आया था, ये गिफ्ट के तौर पर उसकी नानी ने भेजा था। ये भी लॉन्ग ड्रेस है उसकी, और ये हमने न्यू ईयर पे दिलाया था आलिया को, जो पिछले साल की न्यू ईयर थी उसमें। तो एक ड्रेस ये है, और एक ये फ्रॉक है, तो ये भी उसकी ईद के टाइम की है, लेकिन जब हमने ये ली थी तब ये लॉन्ग थी, जब आलिया हमारी इतनी छोटी थी, और अब माशाल्लाह बड़ी हो गई, तब ये उसकी शॉर्ट वाली हो गई, लेकिन अच्छी लगती है अभी भी उसकी, क्योंकि काफ़ी घेर वाली है। और हम हस्बैंड वाइफ को जो है इसी तरह के मतलब बच्चों के फूले फूले कपड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हम आलिया के लिए और इनाया के लिए इस तरह के कपड़े लेकर आते हैं, क्योंकि हमें इस तरह के कपड़े बहुत पसंद है। और अभी मैं आपको आलिया के कपड़े ही दिखा रही हूँ पहले। तो ये ड्रेसें हैं कुछ, ये है एक जंपसूट, ये मैंने उस टाइम पर लिए थे जब हम मुरैना जा रहे थे रुकने के लिए, शायद दिसंबर के टाइम पर, उस टाइम पर लिए थे मैंने। और एक मैंने ये ली थी जब उसी टाइम पर ये वाली ड्रेस भी ली थी। तो इसके साथ जो है ये स्कर्ट आई थी, लेकिन मैं इसको स्कर्ट के साथ नहीं पहनाती हूँ, ये स्कर्ट है इसकी, तो मैं इसको स्कर्ट के साथ नहीं पहनाती, मैं इसको जींस के साथ पहनाती हूँ, तो अच्छी लगती है। और ये वाली जो ड्रेस है ये भी हमने ईद के टाइम पर ली थी, और आलिया की ईद के टाइम पर 4 ड्रेसें ली थी, और 4 जो है पिंक आई थी, ये इसकी
पजामी। इस फाक से जो है पिंकी पिंक आ गई थी सारी ड्रेस है उसकी। एक उसका जो है डांगरी ली थी तो उसकी टॉप भी जो है पिंकी है, लेकिन अब वो डेली यूज में निकाल दी है। तो अभी दिखा देती हूँ उसके लहंगे। एक ये लहंगा है, तो ये वाला लहंगा शादी पे लिया था भैया की शादी पे, और इसकी ये चुन्नी है और ये इसकी चोली है। तो ये जो है उसने बारात में पहना था। और एक लहंगा ये है, तो ये रिसेप्शन में पहना था, ये चुन्नी और इसकी ये चोली है। इसकी जो आस्तीन है ये ऑफ शोल्डर वाली है। और एक गाउन ये है, तो मैंने बोला ना चार ड्रेस ली थी इसकी ईद के टाइम पर, तो एक ड्रेस में से ये है जो आलिया के पापा को बहुत पसंद आई थी। मैं तो नहीं ले रही थी, लेकिन क्योंकि मैं सोच रही थी कि एक ही बहुत है, लेकिन उनको बहुत पसंद आई थी ये वाली, तो उन्होंने लिया था। क्योंकि आलिया इसको पहनकर बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लग रही थी, बहुत अच्छा इसका जो घेर है बहुत अच्छा है, पहनने बहुत अच्छा लुक देता है। और ये आपने देखा होगा कि ये उसने हमारी जो एनिवर्सरी थी जब पहनी थी, और इसी वजह से उसका ये हाल भी हुआ है। आप देख सकते हैं नई की नई ये जो है फट गई है, और ये फटी इसीलिए क्योंकि वो भी स्कूटी पर थी और जब वो गिरी थी तो पता नहीं स्कूटी में कैसे ये उलझ गई और ये फट गई है। तो मैं इसको उठा दूंगी और इसको इस तरीके से सिल दूंगी, तो ये घेर में जो है दिखाई नहीं देगी। तो एक ड्रेस ये आलिया की, एक लहंगा ये है, ये भी हमने ईद के टाइम पर लिया था आलिया का। ये फर्स्ट लहंगा है इसका, ये इस तरीके से है, और उसकी चुन्नी भी है ब्लू कलर की। और अब दिखा देती हूँ मैं इन्नू के कपड़े। तो ये वाले जो फ्रॉक दिख रहे हैं ये भी इन्नू की ईद वो सॉरी शादी के टाइम की है, ये बारात में पहनी थी। और ये वाली जो है बर्थडे में इन्नू की चाची ने उसको गिफ्ट की थी। और ये वाली जो है हमने बकरा ईद पे ड्रेस ली थी इन्नू की। और ये शादी में जो है इन्नू के लिए हमने चार ड्रेस ली थी, तो उनमें से एक ये है और एक ये है, इसकी ये वाली टॉप है और एक ये है। ये चारों शादी की हैं। और ये और आलिया का आपने लहंगा देखा हुआ उसका कलर ऐसा ही है, और मेरे लहंगे का कलर भी यही है, तो इसलिए मैंने कलर जो है एक जैसे रखे थे, तो इसलिए ऐसे कपड़े लिए थे। तो ये इन्नू के कपड़े हैं, और इन्नू की जो पहले से ड्रेसें हैं वो ये हैं। तो ये मैंने ईद के टाइम पर ली थी, उनमें से एक ये ड्रेस है ईद के टाइम की, क्योंकि मैंने एक शॉप से शॉपिंग कर ली थी, फिर मेरे हस्बैंड को दूसरा शोरूम दिखा तो वो वहाँ पर ले गए, तो फिर वहाँ पे भी कपड़े उनको पसंद आ गए थे, तो उन्होंने वो फ्रॉक ली, और ये मैंने कपड़े दूसरी शॉप से ले चुकी थी। तो उनमें से एक ये ड्रेस है, तो ये दो ड्रेस मैंने इन्नू के लिए ली थी और दो ड्रेस मैंने आलिया के लिए, तो चार ड्रेस हम लोग ले चुके थे। ये इसका टॉप है, और ये अभी बकरीद के टाइम पर ली है। जैसे बकरीद के टाइम की वो आपने बाइट वाली ड्रेस दिखी, उसके साथ एक ड्रेस में ये भी लेकर आई थी स्कर्ट टॉप। और ये जो है बर्थडे पे उसकी फुफ्पी ने जो है उसको गिफ्ट की है सीमा वाजी ने, ये फ्रॉक है। और ये जो है बुलबुल की जो बादशाह आई थी उन्होंने गिफ्ट की थी। और ये वाली ड्रेस जो है भी आलिया ने नहीं पहनी है, ये मैं बताई पर ही लेकर आई थी इसके लिए, क्योंकि ये उसकी थोड़ी सी लूज है, तो मैं थोड़ा इसकी फिटिंग कराऊंगी फिर उसके बाद मैं लाऊंगी। ये इसकी ऊपर की टॉप है, इस तरह की ड्रेस मैंने पहली बार ली है आलिया के लिए। आलिया की एक ये फ्रॉक है, इसकी जो स्लीव्स है ऑफ शोल्डर वाली है, और ये इसकी पजामी है। और एक ये फ्रॉक है जो हमने पकड़ी तरह ही ली थी,
दो आलिया के लिए ली थी, दो इन्नो के लिए, ये वाली और ये वाली, ये दो ड्रेस बनाई थी। और ये वो तो ये ड्रेस है, ये है कि जब इन्नो जो है 6 मंथ की थी ना, तो हमने उसका बर्थडे बनाया था, 6 मंथ था ना, तो उसमें उसके चाचू ने इसको गिफ्ट की थी ये दो ड्रेसेस। उसने सिर्फ एक एक बार ही पहनी है। और ये इसके दादा जो है अभी ग्वालियर गए थे जब लेकर आए थे इसके लिए। तो बस ये सारे कपड़े हैं आलिया और इनाया के पार्टी वेयर ड्रेस जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और बस अब मैं इनको तेल आग रख देती हूँ। मैं ऐसे ही डब्बे में रखती हूँ क्योंकि मैं वैसे नहीं रखती हूँ, वैसे मुझे ऐसा लगता है बिखरी बिखरी, क्योंकि काफ़ी सारे ड्रेसे हैं, अगर इतनी मैं ऐसे ही रखूँगी ना ड्रेस अलमारी में तो वो वैसे ही भर जाएगी, तो इसलिए मैं इनमें लगा कर रख देती हूँ पॉलीथीन में रख के। तो मुझे इसी लगता है, ये मेरा तरीका है। तो बस अभी मैं इनको तेल लगा कर रख देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस अभी टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं और मैं काफ़ी लेट हो गई क्योंकि जब मैं सफाई कर रही थी तो बीच बीच में जो है इनाया को लेना पड़ रहा था क्योंकि वो मेरे साथ ही खेल इधर ही थी। तो बच्चे के साथ जो है अगर वो काम 1 घंटे में हो रहा होगा ना, तो बच्चे के साथ वो 2 घंटे में होगा, तो इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो पहले तो बस यही काम था कि मुझे कपड़े तय करके रखना है, लेकिन मैंने जो है अलमारी में कपड़े तय करके रखने लगी तो फिर मुझे लगा कि क्योंकि अलमारी क्या है थोड़ा टाइम हो जाता है ना तो वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है, क्योंकि मैं कपड़े उठाकर मतलब ऐसे ही रख देती हूँ, कभी जल्दबाजी मुझे कपड़े निकालना होता है तो बिखर जाते हैं। तो इसलिए मैंने अलमारी खोली तो फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो आज मैं जो है अलमारी को भी सही कर लेती हूँ। तो इसमें जो है काफ़ी टाइम लग गया, फिर मैंने फैन वगैरह भी साफ करे, तो एक काम के साथ काफ़ी सारे काम जो है निकलते चले गए निकलते चले गए। और काफ़ी टाइम हो गया, मैं 2:15 बजे फ्री हुई झाड़ू पोछा करने के बाद, पूरा काम करने के बाद, और इनाया को भी सुलाया तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि वो बार बार जो है मुझे मतलब रुकना पड़ रहा था, उसको गोद में लेना पड़ रहा था, उसको कुछ खेल में लगाना पड़ रहा था, और फिर लास्ट में वो रोने लगी। तो फिर मुझे मैंने सोचा चलो इसको सुला देती हूँ, तो बेड जब मैंने साफ कर लिया था तो फिर उसके बाद मैंने इधर इसको सुला दिया था। फिर उसके बाद मैंने बाकी काम करे, झाड़ू पोछा और जो सामान रखने को रह गया था थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो टॉयज वगैरह थे ना मैंने सारे जो है ड्रॉ में लगा दिए हैं, बस एक तो ये एरोप्लेन जो है बड़ा है तो ये नहीं आया है, और आलिया भी यहीं पर बैठी है। हेलो। तो मैंने जो है अभी इसको नहीं निलाया है, ना ही इनाया को निलाया है, तो इनाया भी नीचे खेल रही है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं जो है मैं नहा लेती हूँ और नमाज पार वगैरह पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको, क्योंकि अगर इनको नहाती फिर इनको तैयार वगैरह करती ना तो फिर मुझे लेट हो जाता नमाज वगैरह के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं अपने काम से फ्री हो लेती फिर इनको नहलाऊंगी, क्योंकि नाया भी जब मैं नमाज पढ़ रही थी तो जाग गई थी। तो बस अभी वो नीचे खेल रही है, तो बस अभी मैं जा रही हूँ इनको नहला देती हूँ, फिर उसके बाद इनको खाना वगैरह मैं भी खा लूंगी, मेरे बच्चों को भी खिला दूंगी। तो मैंने सोचा अभी आप लोगों से बात कर लेती हूँ, तो बस अब मैं जा रही हूँ, पहले इनको नहलाती हूँ फिर खाना वगैरह खाने के बाद। और अभी मुझे पता नहीं है क्या खाने बनाए, तो मैं जाती हूँ, जब मैं खाना लाऊंगी तो आपको बता दूंगी कि आज क्या बना है। तो ये खाना मैं लेकर आ गई हूँ, और ये है दही, ये सलाद, और ये खिचड़ी है जो मम्मी के लिए बनाई थी तो मैं इनाया के लिए लेकर आई हूँ थोड़ी सी, और ये है दाल जो बुलबुल ने बनाई है, और ये छोले हैं जो मैंने कल बनाए थे तो रखे हुए थे तो मैं लेकर आई क्योंकि अच्छे बने थे। तो बस ये खाना है, अब हम लोग खा लेते हैं खाना हम चारों। तो बस अभी खाना वगैरह हो गया है, और खाना खाने के बाद जो है आले नाया तो खेल रही थी, उनको खाना खिला दिया था, काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी देर में खाती है वो, धीरे धीरे खिलाती हूँ। तो बस अभी 4:30 बज गए हैं, 4 बजे ही मैं जो है खाने से फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ, और उसमें काफ़ी सारे नाम थे तो बस अभी मैंने नाम लिख लिए हैं, तो बस मैं नाम ले देती हूँ। अंजलि शर्मा, एस आर मलिक, फरीन सिद्दीकी, इंसा, साइमा, साजिद, फिरोज खान, अक्सा, शाहीन हसन, फिरदोस बागवान, समीर शेख, नसीर शेख, आरती मिश्रा। बर्थडे है गजाला का, तो आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि इन लोगों को खेलना है हमारे साथ। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।